Well, shifting focus to Odisha, and here's the latest on Cyclone Fani. Close to 6,500 educational institutions were damaged in 14 cyclone-affected districts of the state. As a result, NIIT and other engineering examinations in private colleges in the state have been postponed to the 20th and 27th of May. The government has assured that repair work at these schools are likely to get over before the summer vacation ends. The government has also distributed relief material to almost 18 lakh people up till now. However, power supply is yet to be restored in many areas of Puri district. नीट का परीक्षा को रीशेड्यूल किया गया है एवं नीट का परीक्षा अभी 20 तारीख को होने वाला है और नीट के परीक्षा के लिए उस दिन बिपुट के कुछ एग्ज़ाम्स हो गए थे तो 20 तारीख को जो बिपुट के एग्ज़ाम होने वाले थे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को उसको पोस्टपोन करने के लिए निर्देश दिया गया है सरकार के द्वारा सिर्फ 20 तारीख के एग्ज़ाम को सो दैट बच्चे जो नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो 27 तारीख को आपको पता है कि जेई एडवांस्ड का डेट है और प्राय जितने भी एग्जामिनेशंस थे उनको 15 तारीख के बाद में ही किया जा रहा है एकेडमिक सेशन कंप्लीट करने का भी एक जरूरी है क्योंकि फिर नेक्स्ट एकेडमिक सेशन भी शुरू करना है काफ़ी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं अगर हम एकेडमिक सेशन अगर हम टाइम से ख़त्म नहीं कर पाएंगे तो जिन बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है वो बच्चे अपने नौकरी में जाकर के ज्वाइन नहीं कर पाएंगे इसलिए बहुत ज़्यादा इसे भी पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुछ कट ऑफ डेट निर्धारित किए गए हैं एडमिशन के फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे टेक्निकल कॉलेजेस में एडमिशन के कट ऑफ डेट निर्धारित किए गए हैं मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला के लिए कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया है तो इसे अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है एवं जब जहां तक पोस्टपोन किया गया था किया जा सकता था वहां तक पोस्टपोन किया गया है वो बच्चे में सब टूट गया कोई आदमी नहीं है उधर इलेक्ट्रिक नहीं है पानी नहीं है कुछ खाने को नहीं है कोई नहीं इधर आया है वो सब रास्ता घर जाम हो गया स्टूडेंट लोग कहाँ चले गए स्टूडेंट लोग सब घर चले गए इधर कोई नहीं है अभी सब हॉस्टल खाली है सब हॉस्टल खाली है सब चला गया इलेक्ट्रिक नहीं पानी नहीं है कुछ खाने को नहीं मिलता है इधर तो परीक्षा को कैसे किया गया परीक्षा कैसे करेगा भैया तो साफ नहीं होगा कब साफ होगा हमको पता नहीं है फनी का तूफान जो आया है वो कॉलेज बहुत सारे कॉलेज तहस नहस हुए हैं हमारा कॉलेज भी 4 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन हुआ है और आसपास में भी बहुत सारे कॉलेज स्कूल हैं जिसका डिस्ट्रक्शन हुआ है तो अभी तो इंजीनियरिंग का परीक्षा चल रहा है जिस दिन फाइलिंग आया है तो कैसा वो परीक्षा बीपीयूटी ने शिफ्ट कर दिया वो 20 तारीख से अभी होगा मई 20 तारीख से स्टार्ट होगा और रेगुलर स्टूडेंट का 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है लेकिन कॉलेज में तो ना लाइट है ना पानी है पूरा तहस नहस हो गया तो इसीलिए हमने बीपीयूटी को रिक्वेस्ट किया था वो लोग हमारा सेंटर सीईटी को चेंज किए हैं और हम उनके बहुत आभारी हैं इस कारण ओडिशा'स पीपल नीड हेल्प टू रीबिल्ड देयर लाइफ्स We are at a location called as Rebona in Guagua. Cyclone Fani has definitely caused irreparable damage. People have gone hungry, and there is no power, and the biggest damage in the long term is that it has completely removed the green cover. Getting you the most exhaustive coverage from ground zero. के छत पे टूट गया है हमारा गांव में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं हम लोग अभी भूखा है आप बेल न्यूज है अभी हमारे पास आके और पूछा है कि ये सब क्या होता है 300 बोर्ड था यहाँ पर वो बोर्ड इस तरह टूट कर अभी मिल रहा है कि वो रिपेयर नहीं हो पाएगा यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट का लोग है वो नहीं आए हैं पर आप पहले हैं जो पूछने के लिए आए हैं वो देखकर बता रहे हैं कि हम बताएंगे गवर्नमेंट को इट्स टाइम टू रीबिल्ड ओडिशा